बोर्ड कल लगाए दोपहर बाद, और उससे पहले दो महीने पुल चला है बरसात से पहले, सावन भादो कट गया और 7 साल इसको बनते हो गए। देख रहे हैं ये हाल गजब का स्थानीय प्रशासन है। पुल टूटा है, आधा है, रास्ता चालू है नहीं है, इससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं। लेकिन इस ऐतिहासिक पुल को मानने वाला गूगल भी अब माफी मांगता फिर रहा है। प्रशासन ने भी हाथ पैर हिलाए और लगा दिया एक बोर्ड और दीवार कि रास्ता बंद है। लेकिन ये सब अचानक क्यों? कारण है 3 लोगों की मौत। यहाँ भी पिछले ही दिनों 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अच्छे अच्छों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन अब आसपास रहने वालों ने स्थानीय प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बता दिया है कि भैया इस एक्सीडेंट से पहले तो ये सड़क चालू थी, बकायदा अधिकारियों ने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ था कि ये रोड चालू है, रोड बंद करने का काम तो अभी हुआ है। दरअसल गाजियाबाद से अमित सिंह, अजीत कुमार और नितिन कार से फरीदपुर की एक शादी के लिए निकले और बीच में उन्हें ये ऐतिहासिक पुल मिल गया। उसके बाद जो हुआ वो दर्दनाक है। पुल से कार सीधे नीचे गिर गई। अब इसके पीछे गलती किसकी है, इसको लेकर प्रशासन ने तगड़ा फैसला लिया। विभाग ने सीधे गूगल के खिलाफ FIR लिखवा दी। संकेतन लगे थे और दीवार भी उठाई गई थी, लेकिन वो ये जानकारी में आया है कि वो 2 दिन पहले वहाँ ग्रामीणों ने तोड़ी थी और वो पूरी तरह से फिर तत्काल रिपेयर नहीं हुई है, ये जानकारी में आ रही है बात, जिसके कारण ये जाने वाले लोगों को जो गूगल से गए थे और उसको आसानी से तोड़ते हुए चली जाए, अगर वो पूरी रहती तो शायद टूटती नहीं वो। चलिए यहाँ तो गूगल ने अपनी गलती मान ली, लेकिन जो आसपास के लोग कह रहे हैं उनका जवाब प्रशासन कैसे देगा? क्या ये बोर्ड कब से लगा है? क्या उससे पहले पुल सही था? क्या पूरे बोर्ड कल लगा है दोपहर बाद, और उससे पहले 2 महीने पुल चला है बरसात से पहले, सावन भादो कट गया और 7 साल इसको बनते हो गए, पूरा काम नहीं किया। शिकायतें बहुत की लोगों ने, पब्लिक ऑनलाइन शिकायतें की, एप्लीकेशन दी अधिशासी अभियंताओं को, XCM को, कोई सुनने वाला। क्या कभी इसको लेके किसी तरीके का और पहले कोई हादसा हुआ था क्या? हाँ, वो बरसात में हुए, उनका पता ही कहाँ चला, कितने लोग मोटरसाइकिल वाले डूब के मर गए, बह गए नदी, कोई देखने वाला कौन? रात में जा रहा है, रोड चल रहा है तो गिर गया, इस समय तो पानी नहीं था, पता चल गया, अगर बरसात होती है भी नहीं मिलता, ढूंढे गाड़ी कहाँ गई कहाँ नहीं। क्या उसके बाद कल से कुछ लोगों ने हलचल कर गई है? ये दीवार वगैरह जो बनाई है ये कब की है? हाँ, ये कल ही बनी है, प्रशासन ने बनवाई है, SDM वगैरह, DM कमिश्नर साहब आए थे। तो सुना आपने, इससे पहले तो ये सड़क चालू थी, लोग इस पर गए भी थे। आसपास रहने वालों का दावा है कि कई लोगों की ऐसे में मौत भी हो चुकी है। लेकिन सवाल अब प्रशासन पर है, गूगल पर मुकदमा लिखवाने के साथ साथ खुद के अधिकारियों या जिम्मेदार कर्मचारियों पर क्या एक्शन लेंगे? खैर, यहाँ के लोकल पत्रकार ने इस पुल के बनाए जाने को लेकर बताया, आखिर कब से इसे बनाया गया, कब ये टूट गया था और तब से ये ऐसी ही हालत में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति थी जब पुल का निर्माण हुआ था, तो सपा शासन में इसकी मंजूरी मिली थी। यहाँ पर चेतना सिंह जो जिला अध्यक्ष रही हैं जो क्षेत्र पंचायत की, जिला अध्यक्ष के माध्यम से इसकी मंजूरी हुई थी। तब से पुल का निर्माण होते होते 2021 में ये कंप्लीट हुआ। तब ये जो गंगा पीछे देख रहे हैं, जो यहाँ नहीं बह करके पीछे बह रही थी, बीचा बीच से निकल रही थी, मगर ये 2023 में जब गंगा में बाढ़ आई, पानी तेज हुआ, तो गंगा ने ये अप्रोच रोड जो है काट दिया। हालांकि ये 2021 में PWD के हैंडओवर हो चुका है, मगर कुछ कमियां इनकी भी रहीं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखिए पीछे आप देखे होंगे कि वहाँ पत्थर लगाया गया है, ये सब पत्थर बाद का काम किया गया है, इधर कटा है। चूँकि अप्रोच रोड पे अगर पत्थर लगा होता तो ये रोड भी नहीं कटता, और इतना करोड़ों लागत से बना हुआ पुल बेकार हो गया, और इतना बड़ा हादसा जो हुआ है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को देख लीजिए, क्योंकि किस तरह से यहाँ पे बैरिगेटिंग किसी तरह की नहीं, किसी तरह का बोर्ड नहीं, किसी तरह की जैसे दीवार बनी तो ग्रामीणों ने तोड़ी, तो यहाँ के प्रशासन की जो जिम्मेवारी थी कि वहाँ पुल को देखा जाए कि कितने समय से पुल टूटा हुआ है, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं क्या हैं। खैर, जिन 3 लोगों की मौत हुई उनके घर में अब मातम पसरा हुआ है, लेकिन अब इस रास्ते को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 लोगों की हादसे में मौत के बाद प्रशासन जागा है। एक तरफ अभियंताओं पर लोक निर्माण विभाग के FIR हुई है, तो दूसरी तरफ गूगल के क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा हुआ है। साथ ही कुछ ग्रामीणों को भी इस मुकदमे में रखा गया है, जिन पे आरोप है कि उन्होंने दीवार तोड़ दी थी, लेकिन
उससे पहले जो एहतियाती कदम थे वो नहीं उठाए गए थे। अभी हम लोगों ने गांव वालों से बात किया, उन्होंने बताया कि ये जो बोर्ड है, मैं चाहूँगा दिखाएं, सावधान आगे मार्ग बंद है, कृपया रास्ते का प्रयोग ना करें। ये उसके बाद लगाया गया है, परसों हादसा हुआ है और कल ये दोपहर में लगाया गया है। लेकिन अगर ये चेतावनी का बोर्ड पहले लग गया होता तो 3 मासूम लोग आज सांस ले रहे होते। मैं कृष्ण गोपाल राज, यूपी तक।